हेलो दोस्तों, चली मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019, आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है 12 जनवरी 2020 को, और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको आंसर बताते चलूँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आंसर बताते चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए पेपर मेरे पास भेजा गया है कुछ लड़कों द्वारा कि पेपर आउट हो चुका था, लेकिन ये जो पेपर भेजा गया है ये 12 बजे के बाद ही मेरे पास मिला है, क्योंकि मैं मेल पर भी CSBC के मेल पर भी और पेपर भेजा हूँ, उसके बारे में हम बताएंगे आपको अगले वीडियो, जब एक वीडियो लाऊंगा तो उसमें बारे में बताऊंगा मैं दिन भर क्या कर रहा था। और चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अभी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हुआ है, मैं इसकी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड शिफ्ट तक मैं देख रहा था कौन कोई पेपर भेज रहा है कि नहीं। थोड़ा एक दो मिस की कटिंग आया है, जैसे मोबाइल पर जो आंसर इधर से उधर सर्कुलेट कर किया जाता था वो कटिंग आया है, मैं आपको दिखाऊंगा सेकेंड शिफ्ट में भी, और फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर ये आया है। तो चलिए अगर आपके पास सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा तो आप ज़रूर भेजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से करों के वसूली के लिए जिम्मेदार थे, तो कौन से करों के वसूली के लिए जिम्मेदार थे, तो इसे समाहर्ता कहा जाता था, समाहर्ता करों की वसूली करता था। दूसरा देखिए, किसी दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, किस दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो वेग और चाल के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं, ये याद रखिएगा, ये दोनों के मात्रक समान होते हैं। आगे देखिए, तीसरा है कि एक दीवार घड़ी के अंकित मूल्य क्या होगी, इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है क्या होगी, उसका क्रय मूल्य दिया है 380 रुपये और 5% छूट देने के बाद भी 25% लाभ होता है, तो ये मैंने क्वेश्चन बनाया, इसका आंसर जो आया, इसका आंसर आया है आपको 500 आया है, तो इसका सी हो जाएगा। बाकी आप भी बनाकर देख लीजिएगा, हो सकता है कि मान लीजिए मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन मैंने पूरे अच्छे तरीके से 2-3 बार उसे बनाया तो वो 500 ही आ रहा था। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय इसकी आलेख का जो ढाल होता है ये त्वरण को, जैसे जो वेग और समय बताता है ये तो त्वरण बताता है इसका जो भी ग्राफ, और त्वरण हो सकता है कि बढ़ भी रहा हो घट भी रहा हो समान गति से, तो ये आपको इसकी ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। तो मैं जहाँ तक मिस जानता हूँ कि ग्राफ पढ़ने पर आपको वेलोसिटी टाइम से आपको एक्सेलेरेशन मिलता है और वहीं डिसाइड करता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो होगा। आगे देखते हैं। देखिए ये वाला बनाया मैथ, ये मैथ था ठीक, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन अनुमान नहीं लगाया गया था, तो बिहार पुलिस में आएगा ऐसा ऐसे क्वेश्चन, तो 5 के आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आप बनाइएगा इसे ठीक, इसे तोड़ दीजिएगा इसे फॉर्मूला में, तो तोड़कर बनाइएगा तो ये बन जाएगा, तो 5 के आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ये लग नहीं रहा है कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, ये तो SI का भी टक्कर दे दिया, SI से भी हमको लग रहा है हार्ड क्वेश्चन इसमें सेट कर दिया गया है, तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन सेट किया है, लग रहा है एग्जाम लिया जा रहा है, और उतना कड़ाई भी नहीं किया गया है, रहता आपकी 500 जो 550 सेंटर रहता वहाँ पर जैमर लगाया गया रहता, ऐसा रहता तो मोबाइल से इधर उधर क्वेश्चन आता ही जाता नहीं, मोबाइल बाहर जो चेक किया जाता अच्छे तरीका से, पर ऐसा कुछ नहीं, ये इंतजाम किया गया था, बस दिखावटी इंतजाम किया गया था। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए 6 में है कि मिलान करना है कि कौन नहीं मिलता है, तो ओसाका तो जापान में है, लकाशायर जो है ब्रिटेन, और यहाँ पर देखिए ये जो है शलेम जो है ये भारत में है, और बर्मिंघम भी कहाँ है, ब्रिटेन में ही है लंदन में, ये तो ये अब डी गलत इसमें दे रहा है, ये आपको फ्रांस दे रहा है, तो ये बोल रहा है सम्मिलित नहीं है, तो डी हो जाएगा गलत। आगे देखिए क्राइम का सही परिभाषित जो वर्ड होता है, मीन्स की शब्द है, इसके लिए हम लोग अपराध बोलते हैं, अपराध ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए ये है 9 है कि निम्नलिखित में कौन से ईश्वर के निर्गुण और सद्गुण दोनों के लिए थे, तो ये रामानंद थे, निर्गुण और सद्गुण दोनों में विश्वास करें रामानंद। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण होता है, जो धीरे धीरे इसमें है क्रिया विशेषण है। बाकी देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि और शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक, तो ये अनुच्छेद 29(1) में ये दिया हुआ है कि अपने अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थान रख सकते हैं, अपने जो भी स्क्रिप्ट है उसे अच्छे से बचा कर रख सकते हैं, ये सब आपके आर्टिकल 29(1) में दिया हुआ है, तो 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्टिकल इसमें बता रहा है कि किसमें आपको धन विधेयक के बारे में दिया हुआ है, धन विधेयक के बारे में मैंने बताया भी था, धन विधेयक के बारे में जो दिया हुआ है आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 110 में। आगे देखिए आगे इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये तो आप सोचकर भी बना सकते थे, मानव में ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, तो हम कंठ जिसे बोलते हैं ना, ये थोड़ा आगे की तरफ निकला रहता है गर्दन में कंठ, ठीक, तो इससे ही हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि आपको जो उत्पन्न किया जाता है यहीं, अब इसे दबाकर आप देखिएगा तो बोल नहीं पाइएगा, कोशिश कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ज़्यादा दबा नहीं दगाइएगा मत ज़्यादा। CO2 में कार्बन की जो संस्करण अवस्था में इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इस कार्बन की CO2 में वो क्या होती है, तो ये SP2 होती है, SP2 होती है, तो इसका 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन था, ठीक, ये जो मैथ का क्वेश्चन होगा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये सी हो जाएगा।
ठीक, ये 11th क्लास के मैथ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, यही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मीन्स कि ये जो प्रकाश के विद्युत प्रभाव हो जाता है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट प्रकाश के विद्युत प्रभाव। ठीक, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखिए 16, देखिए इकाई संतुलित बजट गुणांक का तत्पर है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि होता है, यहाँ पर देखिए 1 रुपये का वृद्धि होगा और सरकारी व्यय में भी 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, 1 रुपया से बढ़ेगा। एक थ्योरी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 रुपया से बढ़ेगा। आगे देखिए 17 है कि निम्न में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है, मिस की पीड़ाहारी या दर्द को कम करती है, ये कौन सी है, तो नाव लिजिन है, नाव लिजिन, ये हो जाएगा इसमें से सी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुंवर सिंह तो बिहार से किए थे 1857 की क्रांति में, लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, नाना साहब कानपुर से किए थे, अवध से नहीं कानपुर से लड़े थे। ठीक, और मौलवी अहमदुल्ला जो लड़े थे ये फैजाबाद से, तो ये सही बात है, लेकिन सी वाला नहीं मिलान हो रहा है, तो सी पूछ रहा है कौन नहीं सुमिलित है, तो सी हो जाएगा, नाना साहब कानपुर से थे, अवध से नहीं थे। यहाँ पर देखिए द व्यू ऑफ, देखिए सोमानंद, यहाँ स्वामी दयानंद जो अपना विचार किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे, तो उनका द्वारा इसमें से अगर पूछे जाते तीनों में से यही है, सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, इसमें इनके द्वारा इनका सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, 20 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, 20 नहीं थे ये, क्वेश्चन नंबर 19 था, तो इस 20 नीचे है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये दे रहा है कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, मिस की इसका मतलब क्या होगा हिंदी में। ठीक, ये तो आप बना ही लिए होंगे कि मिस महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक, ये हो जाएगा इसका मतलब डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि दिस इज माई कज़न हिज नेम इज, इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइंड करना है, कंबाइंड करना है, तो दिस इज माई कज़न राज हो जाएगा, दिस इज माई कज़न राज हो जाएगा, इसको कंबाइंड की जगह पे किसका सी हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट असर्टिव, असर्टिव यहाँ बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस ऑप्शन बिलो, इसका असर्टिव बताना है, सेल आई एवर फॉरगेट यू, तो ये हो जाएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेल आई सेल नेवर फॉरगेट यू, आई सेल नेवर फॉरगेट यू हो जाएगा इसका, तो बी हो जाएगा 22 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि 2001 से 2011 के दशक जब हुआ था, जनगणना हुआ था, तो निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किया था, वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किया था, ऐसे भी पूछे तो भारत में किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था, परसेंटेज के हिसाब से दर ये पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था इसकी परसेंटेज, तो ये मेघालय को ही हुआ था। ठीक, तो 23 हो जाएगा आपका सी, मेघालय हो जाएगा इसमें। अब देखिए 24 है कि दर, ये बिहार से पूछ रहा है, बिहार से क्वेश्चन है कि बिहार के वह जिला जहां पर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दासकीय वृद्धि हुई, ये भी वृद्धि से ही है, वो भारत में दिया था या बिहार में दे दिया, तो ये था मधेपुरा, मधेपुरा जो है बिहार के सबसे ज़्यादा दासकीय वृद्धि हुआ था, और सबसे कम जो हुआ था आई थिंक गोपालगंज में हुआ था। ये देखिए 25, देखिए यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, मीन्स की किसी गतिशील वस्तु की, यहाँ पर देखिए मीन्स की ये क्या कह रहा है, द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, मीन्स की एम बराबर आपको क्या कर दिया जाए, एम को एम बाई टू कर दिया जाए। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है चाल दुगनी कर दिया जाए, वेलोसिटी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दुगना, मीन्स की टू भी हो जाएगा, भी की जगह टू भी हो जाएगा। ठीक, तो उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, तो एम क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, मीन इसकी एम बाई टू यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, इसको जस का तस रखिए, और एन टू वी स्क्वायर में इसकी वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दुगना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार, तब टू के स्क्वायर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा, मीन इसकी दुगना होगा। मैं अभी तक जितना देखा हूँ, मीन्स की अभी तक जितना देखा क्या बोलते हैं कि आंसर भेजे हुए जो एक दूसरे के भेजे हैं, वो चार गुना बस देख कर लगा दिए, मीन्स की वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो चार गुना लगा दिए, ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्यमान भी आधा कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या, दुगना हो जाएगी, ये याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि वास्को डिगामा भारत की खोज की थी, जो वास्को डिगामा भारत में आया था, बार बार मैं बताता था, ये 1498 में आया था, कालीकट जो बंदरगाह था केरल का वहाँ पर आया था, सबसे पहला इसको यूरोपीय था पुर्तगाली में वास्को डिगामा। अब यहाँ पर बताना है कि जो इसमें प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो जोड़कर एक नया शब्द बनेगा मिस की एबिलिटी में, इससे कौन सा शब्द जोड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए इससे नहीं जोड़िएगा तो बनेगा, इससे भी नहीं जोड़िएगा तो इससे भी नहीं, इनएबिलिटी हो जाएगा, इनएबिलिटी जोड़िएगा तो बन जाएगा। ठीक, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद, ये भी एक थ्योरी टाइप का ही क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बाप रे इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन सेट किया है, मिस की बिहार पुलिस के स्टूडेंट अगर डीपली नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी या जो भी और तैयारी नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, पता नहीं ये कहाँ से क्वेश्चन सेट करने वाले के पास आ गया और कौन सी ये क्वेश्चन सेट कर दिया इतना हार्ड। यहाँ पर देखिए जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद भी क्या हो रहा होगा, बढ़ ही रहा होगा। ठीक, ये एक नियम है तो बढ़ रहा होगा। ठीक, तो बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए आगे है 29,
29 है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु, यहाँ पर देखिए पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभाव पूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा पूरा किया जा सकता है, कि आपको पूर्ण रोजगार के लिए इसकी, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा तो आपको खुद ही हो जाएगा कि सरकार अगर व्यय में वृद्धि करता है तो पूर्ण रोजगार भी बनेगा और प्रभाव मांग की कमी भी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 29 का ए हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यहाँ पर देखिए 30 है, तो इसको आप बनाइएगा, ये क्वेश्चन बनाइएगा कि इतने परसेंट मामले और वाई 80% मामले के में बोलते हैं किसी समान तत्व को बताते समय परमिश की ये परिक्ता क्या होगी जब एक दूसरे को विरोधाभास करे, तो ये 7/20 हो जाएगा इसका, बनाइएगा तो 30 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी प्राणी स्तनधारी प्राणी नहीं है। तो देखिए बाघ, व्हेल, चमगादड़, ये सब स्तनधारी या छिपकली नहीं है। स्तनधारी वहीं की जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, बच्चा जन्म देता हो, अंडा नहीं, ये होता है। 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन की लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है, दीनानाथ मंगेशकर है। ठीक, तो बी हो जाएगा इसका 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए ये है कि यहाँ पर ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, ठीक, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, पूछ रहा है कितने समय में, तो बस 6, 9 और 12 के एलसीएम लीजिएगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल मान लीजिए 36 काम, ठीक, यहाँ पर 6 कर रहा है, इसके छछा के 36, 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 नचों के 36, 10 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 और ये आपका बढ़ती है 36, तो इसे माइनस कर दीजिए क्योंकि ये खाली कर रहा है सी वाला, तो 10 में से 3 जाएगा, ये नीचे 7 हो जाएगा, तो 36/7 हो जाएगा, तो 7×5=35 सही, मिस की ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बनाइएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए द यूनिट डिजिट ऑफ, इतना यूनिट डिजिट इसका बताना है, यूनिट डिजिट, तो अब लास्ट वाला का मात्र ले लेते हैं, 7 वाला, इस लास्टिंग वाला को लेते हैं और इसके 2, 5 मिस की ऐसे है। ठीक, एक कितने पर रूपांतरित होता है, तो इसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक बचता है और 7^1 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो 34 के ए हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है कि ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बदलिएगा तो हो जाएगा ही सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इलेक्ट्रोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, मीन्स कि यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन से निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के, तो दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित नहीं मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में, वो भी शामिल होते हैं किसको, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ये भी याद रखिएगा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बहुत लोग को देखे हैं कि जो अपने बनाकर भेजे हैं चीटिंग, एक दूसरे को मिस की मोबाइल से ही भेजे हैं, जो फोटो आया है उसमें ये वाला आंसर लगाए हुए हैं, ये वाला नहीं होता, ये वाला उपराष्ट्रपति में नहीं होता है, राष्ट्रपति में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, संघ और राजाओं के मध्य, देखिए संघ और राज्य, राजाओं नहीं यहाँ पर, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में रखा गया, तो साइबर कानून नया लाया गया और साइबर कानून जो रखा गया है ये अवशिष्ट विषय में रखा गया है, एक प्रश्न परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था और ये उसका आंसर जो था ये अवशिष्ट विषय ही था। ठीक, तो यहाँ पर अवशिष्ट विषय में साइबर कानून को रखा गया है। 38 देखिए, चूज ऑफ द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर बताना है मिस की पैसिव, तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो इसका क्या होगा, वन शुड कीप वन प्रोमिसेस का इसका बताना है क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, प्रोमिसेस शुड बी किप्ट हो जाएगा, तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 देखिए, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर मीन्स की जिसे हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो ये जैसे GST हो गया, बैड टैक्स हुआ, सीमा शुल्क हुआ, ये निगम कर जो है ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, तो ये पूछ रहा था कि कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, सी एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है, इसके प्रत्यक्ष कर है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से अम्ल एकत्रित होने, देखिए इसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था कि थकान महसूस होने लगता है अगर मांसपेशी में अम्ल एकत्रित होता है, तो ये कौन सा अम्ल था, लैक्टिक अम्ल था, लैक्टिक अम्ल होने पर आपको होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, देखिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, ये दिन याद रखिए चाहे ना रखिए कोई फायदा नहीं, ये दिन पूरा नहीं आपको, मात्र मैं साल बार बार बताता था कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है, 1916 में हुआ है, 1916, तो ये क्या है, 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो असल में उत्तराधिकारी था, ये देखिए ये आराम शाम था, इसका जो बेटा था ज़्यादा ये नहीं था, मीन्स की समझदार ये सब नहीं था, तो उसको अपदस्त करके तुतमिस बना था, लेकिन इसका अगर क्वेश्चन ये दे कि उत्तराधिकारी कौन था, तो आप आराम शाह ही लगाइएगा, कुछ दिन तक शासन किया था, फिर उलतुतमिस ने उसे अपदस्त कर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 से देखिए, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था, अधिकार से संबंधित बहुत से नियम दिए थे। ठीक, तो जॉन लॉक हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर देखिए जॉन लॉक 43 जो होगा ये हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 84 देखिए कि भारत, देखिए अभी जो वर्षा हुआ था, अभी जाड़ा में देखे होंगे आप लोग वर्षा हुआ होगा, तो ये देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो आप न्यूज़ में भी सुने होंगे, वो क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हम लोग की तरफ जो होता है, या पश्चिमी भारत उत्तरी भारत में जो भी है, ये पानी बढ़ता है, मीन्स की पानी पड़ने लगता है। और जो दक्षिणी भारत में होता है, यहाँ पर जो होता है जाड़े के दिन में चेन्नई में, ये लौटते हुए मानसून के कारण होता है। लेकिन ये क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण हम लोग की तरफ जाड़े के दिन में होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 44 का आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, देखिए ये मैंने कराया था फूलों के संवर्धन, या इसको क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आपको जब ये विषय करा रहा था मास्टर वीडियो बायोलॉजी का, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों के संवर्धन करते हैं। चाचा संज्ञा क्या है? यहाँ पर देखिए चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या होगा? तो इजली बात है बाबा, चाचा से चचेरा जो हो जाएगा, ये चचेरा मीन्स की चचेरा भाई, तब क्या बता रहे हैं, वो विशेषता ही ना बता रहे हैं हम लोग का, चचेरा भाई है। कौन भाई है? चचेरा भाई है। ठीक, तो यहाँ से संज्ञा से क्या हो जाता है, ये चचेरा बना दीजिएगा, चाचा संज्ञा है तो इसे चचेरा हो जाएगा। ठीक, मामा है तो ममेरा हो जाएगा, ये सब है, फूफा है तो फुफेरा, ऐसे ये बन सकता है। अब देखिए 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो छायावादी युग के जो कवि माने जाते हैं, ये सुरकांत त्रिपाठी, जिसे निराला भी कहा जाता है, तो सुरकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 47 का आंसर सीधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है इन्हें, और इनके द्विनाम पद्धति भी दिया गया था इनके द्वारा ही, ये लीनियस हैं, बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर ये लीनियस। ठीक, तो कैरोलस नीलियस इनका पूरा नाम था। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये आपको बताना है कि एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगी जिसकी एक भूसा एक्स मीटर तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है। तो ये जो हो जाती है, ये हो जाएगी आपका, ये डी हो जाएगा, मैंने बनाया इसे डी हो जाएगा। ठीक, तो इसे ये भी मैथ, आप सोचिए कि बहुत लोगों से नहीं बनेगा ये मैथ, जब डीपली नहीं पढ़ा ये मैथ नहीं बनेगा, कोशिश कीजिएगा आप। ठीक, तो ये अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी नहीं है मीन्स के स्वपोषी मीन्स के खुद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया बना खाना बनाना होता है, तो ये नहीं है। तो हरे पौधे हैं, नील हरित शैवाल भी है, और प्रकाश संश्लेषी जुआड़े हुए हैं, लेकिन जो अपघटक होते हैं डिकम्पोजर, ये नहीं होते हैं। ठीक, डिकम्पोजर किसी मीन्स की किसी भी चीज़ को उस पर मीन्स की जैसे मरे हुए चीज़ को क्या कर देते हैं, कंपोजिट कर देते हैं मीन्स की उसे मिट्टी मिला देते हैं खा पी कर। ठीक, तो उसे डिकम्पोजर कहा जाता है, और इसके लिए आपको चाहिए स्वपोषी। ज़्यादातर क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी भोजन वोजन बनाते हैं जिसमें से। तो ये पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, सी नहीं है, एक स्वपोषी नहीं है सी। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन था। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और जो 50 क्वेश्चन होगा वो मैं करा दूंगा, और जो सेकंड शिफ्ट के भी कुछ लोग हैं जो कि बार बार कुछ भेज रहे हैं, उसे भी देखना है। तो अभी सेकंड शिफ्ट का कुछ देर पहले एग्जाम खत्म हुआ, तो मैंने ये वीडियो बनाया, तो 50 क्वेश्चन जो होगा आगे मैं आपके सामने इसके कुछ देर बाद मैं 50 क्वेश्चन वो करा दूंगा। ठीक, और सेकंड शिफ्ट का जो लोग स्टूडेंट एग्जाम देकर आए होंगे, अपना क्वेश्चन जरूर नीचे लिखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।